guys, welcome to my channel once again. So today we are going to new destination. Let's see वहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या मिलता है, क्या क्या fun होता है. So stay tuned with us. And रात के बज रहे हैं 2 और हम जा रहे हैं कहाँ? ये starting के vlog में बोल रही है कि we are going to new destination और vlog के नीचे title में लिखा हुआ है Phuket जा रही है. क्या फायदा इसे बोलने का? So this is the look of. बहुत ठंड हो रही है, बहुत ठंड. सुनाया सुनने तो अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट. सब कुछ पैक है, लगेज रख दिया है मेरा टैडो. इतनी गंदी भीड़ हो रही है एयरपोर्ट पे, समझ नहीं आ रहा कि क्यों इतनी भीड़ है भैया. सब जा रहे हैं क्या? हमारी जो फ्लाइट है वो इंडिगो है, दिल्ली से फुकेट सीधी फ्लाइट है और यहाँ पे बहुत गंदी भीड़ हो रही है. तो इंटरनेशनल इंडिगो में लाइन बहुत कम है. हम बिल्कुल सही टाइम पे आ गए. टाइम हो रहा होगा अभी आई गेस 3 बज रहे होंगे. हाँ 2:40 हो रहे हैं टाइम. अभी लाइन बहुत कम है. ए लड़का स्मार्ट लग रहा है मेरा. ये लड़का ही आ जा रहा है मेरे इसमें. मोटूजा. हमने इतने मतलब जैकेट्स पहन लिए हैं तो मुझे मोटे में ऐसे लग रहे हैं. आपात स्थिति में फर्श पर लगे एस्केप पाथ मार्किंग सिस्टम की सहायता से आप निकटतम. फ्रेंड्स, 1.5 घंटे से ज्यादा का ट्रैवल हमने किया है
और हाफ एन आवर लेट है हमारी फ्लाइट बिकॉज ऑफ फॉग के कारण क्लियरेंस आई थी दिल्ली एयरपोर्ट में, और फाइनली अब हम लोग लैंड करने वाले हैं एट 12:30 PM एट फुकेट, और देखते हैं भाई कैसा क्या रहता है, कितना टाइम लगता है हमें चेकआउट करने वहाँ से। इमिग्रेशन हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हम जा रहे हैं, कोई हमें लेने आया होगा आई गेस, देखते हैं कौन आया और पिक करेगा। वेलकम टू फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो होटल में हम पहुंच चुके हैं, चेक इन प्रोसेस इज गोइंग ऑन, देखते हैं कि हाउ मच टाइम विल दे टेक। अभी हमने कैब करी है, हम जा रहे हैं पटोंग बीच, वहाँ देखते हैं क्या क्या होता है और क्या वहाँ पे मॉल भी एक पास में मैंने सुना है, सो लेट्स सी कि क्या होता है। अभी हमने कैब करी है तो ये 400 भाट लेंगे वन साइड फ्रॉम आर होटल टू पटोंग बीच। वी रीच पटोंग बीच, अभी जस्ट पहुँचे हैं और 1.5 घंटा लग गया हमारे होटल से हमें यहाँ आने में। मैं आपको दिखा, सेक्सी व्यू है और यहाँ पे हम फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं, और जस्ट सामने ही आप देख सकते हैं पटोंग बीच फुकेट थाईलैंड लिखा हुआ है, वो है बंगला रोड, वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं आप। This is amazing photogenic place. So this is Pattong Beach. पहुंच गए हैं हम।
यहाँ पे आप शाम को आके इंजॉय कर सकते हो, वेव्स इंजॉय कर सकते हो। अभी मैं वहाँ जा रही हूँ, वहाँ का मजे लेने। बर्गर किंग है आई थिंक, उसके जस्ट सामने ही गली है और वहाँ पे ये LPK रेस्टोरेंट है और यहाँ पे इंडियन फूड बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो अगर कोई भी इंडियन आ रहा है तो यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना। दाल तड़का लिया हमने और दो रोटी ली है, मतलब तंदूरी रोटी विद बटर। 300 baht हमारा बिल आया, बहुत टेस्टी खाना था। वेज फूड खाने हैं बेसिकली, हमने मंगवाया रोटी और ये दाल तड़का, देखते हैं कैसा है यहाँ पे खाना। आई डोंट नो, बढ़िया सा रेस्टोरेंट मिला हमें, इंडियन ओरिएंटल किचन, बंगला रोड से थोड़ा सा दूर है बट यहाँ पे साउथ इंडियन भी है, यहाँ पे आपका इंडियन फूड भी है, मतलब बढ़िया लग रहा है। और बहुत ज़्यादा क्राउडी है, अभी जिसमें हम पहले गए थे वो इतना क्राउडी नहीं था बट ये बहुत क्राउडी है। और यहाँ पे हर चीज़ है जो भी आपको चाहिए, चाहे पनीर हो, चाहे मटर पनीर हो, चाहे मेथी हो, समोसा चाट, पनीर भंडारा, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। साउथ इंडियन में भी वी हैव डोसा, इडली, उत्पम, ईच एंड एवरीथिंग इन दिस इंडियन ओरिएंटल किचन में, बहुत बढ़िया है। अभी हमने वहाँ मसाला डोसा ऑर्डर किया है, लेट्स सी कि कैसा आता है, क्या टेस्ट रहता है। वी ऑर्डर डोसा, लुक वाइज तो बहुत सेक्सी डिलीशियस सा लग रहा है, आप देखते हैं इसको खा के कैसा है ये। सो वी रीच होटल रूम एंड बहुत सारी रील्स बनाई हमने नीचे, होटल के नीचे भी और वहाँ पे भी, पटांग बीच के पास भी। और जो भी बोलते हैं कि इंडियन फूड नहीं है बांग्ला रोड पे, तो इंडियन फूड बहुत सारे हैं, 2-3 आउटलेट्स दिखे हैं मुझे, बाकी मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। बट हाँ, जहाँ पे भी मैंने, 2 जगह जहाँ पे भी खाया है वो बहुत टेस्टी खाना था, इंडियन ओरिएंटल समथिंग कुछ है रेस्टोरेंट वहाँ पे, बांग्ला रोड पे ही है, ऑन द रोड ही है, वो बहुत टेस्टी खाना था। हमने वहाँ पर डोसा खाया था, इट्स यम। एंड हमने एक और जगह खाया था जो कि मैंने आपको दिखाया है अभी व्लॉग में, वो भी बहुत टेस्टी था। हमने वहाँ पर दाल तड़का नॉर्मल और रोटी ली थी, तंदूरी रोटी, वो भी बहुत टेस्टी था। सो हमारा जो ओरिएंटल का आया था 190 baht का आया था, जिसमें कि हमने एक बॉटल लिया और एक हमने डोसा लिया, तो 190 baht का डोसा था एंड 30 rupees की आई गेस वो थी बॉटल। सो इट्स अमेजिंग। सो जो भी बोलता है कि इंडियन फूड इज़ नॉट अवेलेबल इन थाईलैंड, तो प्लीज़ इसका मत सुनिए, थाईलैंड में अवेलेबल है, फुकेट में अवेलेबल है। सो आप आ सकते हैं और इजीली आप चीज़ें खा सकते हैं। ओके, इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। सो नेक्स्ट, कल हम जा रहे हैं फीफी आइलैंड, तो स्टे ट्यून विद अस, हम फीफी आइलैंड में भी मिलेंगे दोबारा से। सो नेक्स्ट व्लॉग देखना ना भूलिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।